हाय, दिस इज आशीष फ्रॉम टैली बाबा चैनल ऑफ चिप्स एंड बाइट्स। आज हम सीखने वाले हैं कि जर्नलाइजिंग क्या होता है और लेजर क्या होता है। लाइक इन द प्रीवियस एपिसोड वी लर्नड दैट वी आर गोइंग टू हैव टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज जर्नल एंड सेकेंड इज लेजर। तो उसको आज डिटेल में हम देखेंगे कि जर्नल और लेजर क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो जर्नल और लेजर किसकी लिखी जा रही हैं, बुक्स किसकी लिखी जा रही हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी लिखा जा रहा है, अन्नपूर्णा मार्ट। तो अज्ञानी नाम के व्यक्ति का अन्नपूर्णा मार्ट करके स्टोर है और वो अन्नपूर्णा मार्ट में ये चार चीज हुई, ये चार लेन देन हुई। लेन देन मीन्स ट्रांजेक्शन। एक्चुअली व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन? कोई वैल्यू का एक्सचेंज होता है। हम कैश देते हैं, पैसा हमें मिलता है, या हम कोई सर्विस लेते हैं तो हम उसका पैसा देते हैं। देर इज सम एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एंड दैट, वो व्यवहार को ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो ये चार ट्रांजेक्शन हुए, ये चारों ट्रांजेक्शन को हम जर्नल और लेजर में कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। इससे हमको अकाउंट्स के फंडामेंटल्स मजबूत होंगे। सो फोर ट्रांजेक्शन आर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश को लेके और बिजनेस स्टार्ट किया, 7000 रुपया खुद का लगाया, 3000 रुपीज बोरोड फ्रॉम विशाल। तो अज्ञानी का फ्रेंड था विशाल, उसके पास उसने पैसा उधार लिया 3000 रुपया। फिर परचेज वीट फॉर कैश, 6000 रुपए का गेहूं खरीदा और 9000 में बेचा। ओके, नाउ दिस एंट्रीज वी आर गोइंग टू डू। तो ये एंट्री करने के लिए हमें तीन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने हैं। तो हर जो अकाउंट होता है, तो लेजर के अंदर जो अकाउंट होता है, दैट पर्टिकुलर अकाउंट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। लेजर जो पेज है, वो पेज लेजर के अंदर एक पेज को अकाउंट बोलते हैं। दैट अकाउंट कैन बी एनी ऑफ द थ्री। कौन से तीन? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो कोई वस्तु है, कैश है, फर्नीचर है, ये सब रियल अकाउंट है। ओके, कोई व्यक्ति है तो वो पर्सनल अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, विशाल हियर इज अ पर्सनल अकाउंट। अज्ञानी खुद की कंपनी है तो वो ओनर है, वो मालिक है, तो उसका कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट। किसी के पास से माल लिया, किसी को माल दिया, सप्लायर, कस्टमर, ऑल दोस आर पर्सनल अकाउंट। ओके, बिजनेस को एक एंटिटी माना गया है, उसको भी एक पर्सन माना गया है। तो बैंक इज ऑल्सो अ पर्सन, सो दैट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। सो सप्लायर्स एंड कस्टमर्स आर ऑल पर्सनल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या? नॉमिनल मीन्स एक्सपेंसेस, इनकम एटसेट्रा। कई बार हम एक्सपेंस करते हैं, हाथ में भले कोई गुड्स आया हो या ना आया हो, लेकिन हमने खर्चा दिया और सर्विस लिया, ये एक्सपेंस जो है वो हमारा तीसरे टाइप का अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि मैं रिक्शा करके यहाँ से टाउन में गया, तो कन्वेंस एक्सपेंस, तो मुझे उसने वहां पे उतार दिया, या कुरियर का एक्सपेंस। तो इस टाइप के एक्सपेंसेस और इनकम्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके अंदर कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, कौन सा अकाउंट पिक्चर में आ रहा है, और वो अकाउंट कौन से टाइप का है, रियल है कि पर्सनल है, नॉमिनल है, किस टाइप का अकाउंट है, वो डिसाइड हो गया। तो उसका रूल लगा दो, और ये रूल है रियल अकाउंट के लिए, रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट किया जाए, क्रेडिट द गिवर, जो पैसा दे रहा है उसको नमस्कार करो, उसको क्रेडिट दो। ओके, और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चे हुए वो सब डेबिट करो, और क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम जो है उसको क्रेडिट करो, इनकम के अकाउंट्स को क्रेडिट करो। तो प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल से सीखते हैं। लेट अस टेक द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। पहला क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट किया 7000 रुपए से। तो इसमें दो अकाउंट आए, एक तो 7000 रुपया कैश अकाउंट। ओके, तो एक कैश अकाउंट आया, और जो ओनर होता है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसके अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस चालू किया तो बिजनेस के अंदर कैश आया है, आया है व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 7000 रुपया। ओके, किसने दिया? मालिक ने दिया पैसा, तो मालिक क्रेडिट द गिवर। मालिक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो उसको क्रेडिट किया जाए, क्रेडिट द गिवर, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। ये अगर आपको आ गया एंट्री, कौन डेबिट होता है, कौन क्रेडिट होता है, तो फिर आगे का काम आपका इजी होता जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। बोरोड 3000 रुपीज कैश फ्रॉम विशाल। विशाल से उधारी में 3000 रुपए लिए। कैश आया है कि गया है? बिजनेस में आया है। आया है, रियल अकाउंट है कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट किया जाता है। इसलिए हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज। कौन सी तारीख को हुआ? 9th मई को हुआ। कौन, किसने दिया? विशाल भाई ने दिया। विशाल भाई पर्सनल अकाउंट, तो विशाल
यहाँ पे क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट में, तो विशाल ने पैसा दिया है तो उसको हमने हाथ जोड़ के थैंक यू बोला, क्रेडिट दिया उसको, रिस्पेक्ट दिया, सो क्रेडिट द गिवर टू विशाल। थर्ड एंट्री क्या है, परचेज वीट फॉर 6,000 रुपीज कैश, कैश गया और माल आया। ओके तो कैश जब गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे हम एंट्री क्या कर रहे हैं, टू कैश 6,000 रुपीज, और जो माल आया है हमारे पास परचेज किया है हमने तो वो रियल है, वीट तो रियल है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल क्या लग रहा है उसका, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वीट जो हमने परचेज किया उसके लिए जो परचेज अकाउंट बनाया वो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं बिकॉज वीट इज कमिंग इन, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन। चौथा एग्जांपल देखते हैं, सोल्ड वीट फॉर 9,000 रुपीज कैश, तो 9,000 रुपए कैश में बेचा तो कैश आया है हमारे पास और वीट गया है, कैश आया है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया 9,000 रुपया, और सेल्स में माल गया है हमारे पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वीट भी रियल अकाउंट में आएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट हमने बनाया 9,000 रुपया। तो ये पहली एंट्री डेबिट क्रेडिट जहां पे लिखते हैं उसको जर्नल बोलते हैं, इसी को डेबुक भी बोलते हैं, तो हमारी पूरी डेबुक ये चार एंट्री के लिए बन गई, जर्नल में बन गई, तो किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना हमको पता चल गया, तो वन पार्ट इज ओवर, जर्नल हमारी बन गई, दिस इज प्राइमरी एंट्री, सबसे पहले यहां लिखने का, कोर्ट में कुछ केस भी होता है तो जर्नल को प्राइमरी एविडेंस माना जाता है, लेजर के पहले जर्नल देखते हैं, तो पहले कहां लिखा भाई, टाइम वाइज कहां लिखा वो सही है कि नहीं, टैली अभी भूल जाओ, लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग में पहली बार आप जहां लिख रहे हैं दैट इज जर्नल, द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, तो ये हमने जर्नल लिख दिया। ये अगर आपको समझ में आ गया कि मेरा जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, वो अकाउंट रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है, और वो समझ में आ गया तो उसका रूल लगा दिया, रूल लगा के लिख दिया, तो मैं आपको एक्सरसाइजेस ऑलरेडी स्टूडेंट ऐप में अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर ये रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है और कौन सा रूल लगेगा, वो आपको 10 सवालों के 10 आंसर देने हैं। तो आपने अगर स्टूडेंट ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी डाउनलोड कीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आप सब एपिसोड्स GB1 GB2 GB3 देखते रहे, तो आपका अकाउंट्स और टैली एकदम क्लियर हो जाएगा, दैट इज माई गारंटी। ओके तो जर्नल लिखना आज हमने देख लिया, उसके बाद जो सेकंड बुक होती है जर्नल के सिवाय वो लेजर होती है, तो लेजर में हर एक पेज को एक अकाउंट बोलते हैं, और इन शॉर्ट AC भी बोलते हैं, तो कैश अकाउंट ये लेजर का एक पेज है। ओके तो इसमें से जब हम इसमें लिखते हैं, जर्नल में से इसमें लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। पोस्टिंग मीन्स वॉट, यू आर राइटिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, तो ये लेजर का एक अकाउंट मैं तो बता रहा हूं, अभी तो इसमें चार पांच अकाउंट इन्वॉल्व है लेकिन वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। लेजर जो है कैश अकाउंट का, तो देखो यही एंट्री हमने की, कैश अकाउंट डेबिट 7,000 रुपया, तो कैश अकाउंट ये डेबिट साइड है तो हमने 7,000 रुपया यहां पे लिख दिया। ओके और ये पैसा कहां से आया, तो कैपिटल से आया, तो टू कैपिटल को सीधा यहां उतार लिया कि 7,000 रुपया यहां से आया। इसी तरह विशाल वाली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट है उसको डेबिट किया गया और विशाल भाई जो है उसको क्रेडिट किया गया, तो वही एंट्री यहां पे लिख दी। तो कैश का पूरा व्यवहार यहां से मिल रहा है, कैश अकाउंट में परचेज में हमारे 6,000 रुपए गए, तो यहां हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू कैश, यहां पे 6,000 रुपए गए हैं इसलिए ये क्रेडिट साइड आ गए, कैश क्रेडिट हो गया, चला गया। ओके और लास्ट सेल्स हमने किया तो 9,000 रुपए आ गया, अगेन डेबिट साइड, कैश डेबिट हुआ और कहां से आया, किसने दिया उसको, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, जो देता है उसको नमस्कार करते जाओ, उसको क्रेडिट देते जाओ। ओके सो टू सेल्स अकाउंट 9,000, तो दोनों साइड का हमने टोटल मारा, तो इस साइड का 19,000 रुपया आया, इसका 6,000 रुपीज 6,000 रुपया आया, तो जो बच गया जो हम कैलकुलेट करके लाए वो बाई बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 13,000 रुपया, तो वो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये हम कैलकुलेट करके लाए हैं, ये हमको डायरेक्ट दिया नहीं गया है, तो दैट इज 13,000 रुपीज। तो इस तरह से लेजर लिखा जाता है, जैसा ये कैश अकाउंट का एक पेज आया ऐसा विशाल का एक पेज आएगा, एक कैपिटल अकाउंट का पेज आएगा, एक परचेज का पेज आएगा, एक सेल्स का पेज आएगा, लेकिन मैं आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपके दिमाग में अच्छे से अकाउंट्स बिठाना चाहता हूं, इसलिए अगेन आज का शॉर्ट में रिपीट करता हूं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब लिखते हैं तो दो ही बुक्स इंपॉर्टेंट है, जर्नल और लेजर, उसके बाद तो रिपोर्ट्स निकलते हैं जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम आगे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये दो लिखने के लिए, जर्नल में सबसे पहले लिखने का, लेजर में उसके बाद, हमने चार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीखा कि कुछ भी व्यवहार हुआ, कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ है, वॉट एवर ट्रांजेक्शन हैज हैपन्ड वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, लेन देन, कुछ दिया कुछ लिया,
Okay, there you have to identify what two accounts are affected, and those two accounts you have to find out whether that account is a personal account or a nominal account or a real account, what kind of account it is, और उसके जो rules हैं वो rules लिखे हुए हैं उसके हिसाब से debit credit करो और वो debit credit करके journal में लिखो और वही journal को ledger के page पे उतारो, posting करो, हो गया। इसके बाद इससे profit and loss और balance sheet easily बन जाती है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से हमारे स्टूडेंट ऐप में GK3 GQ3 क्विज दे दीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट GV4 वीडियो ऑफ माइन इन दिस सीरीज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। हैव फन एंड प्रैक्टिस एंड बी नॉलेजेबल, बी पावरफुल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।